सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम इंस्टाग्राम पर अपने एक्टिव स्टेटस और लास्ट सीन को हाइड कर सकते हैं। अगर आपको भी ये जानकारी चाहिए तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर भी करिएगा, और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज इंटरनेट की चक्काचौंध में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको लोग हद से भी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इंस्टाग्राम भी उनमें से एक है। लोग इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने के साथ साथ इससे अच्छी खासी कमाई भी कर लेते हैं। खैर, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने का सबका अलग अलग मकसद होता है। कई लोग एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं और कई लोग बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, और कई लोग इंटरनेट पर नए नए दोस्त बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने प्राइवेसी के कारण चाहते हैं कि हम इंस्टाग्राम भी यूज़ कर लें, लेकिन किसी को ये ना पता चले कि हम अभी भी इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं या लास्ट कब एक्टिव थे, तो लोग इसके बारे में गूगल में सर्च करते हैं। अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे हैं। आज इस वीडियो में हम इसके बारे में ही बात करने वाले हैं। इंस्टाग्राम के इस फीचर के तहत हम अपने फ्रेंड के मैसेज या चैट सेक्शन में जाके ये जान सकते हैं वह कि अभी इंस्टाग्राम पे एक्टिव है या नहीं। अगर वह एक्टिव है तो वहाँ पे एक्टिव नाउ या ग्रीन कलर का डॉट बनकर आ जाएगा, और अगर वह अभी एक्टिव नहीं है तो वहाँ पे लास्ट एक्टिव टाइम वहाँ पे शो होगा आपको, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका फ्रेंड लास्ट में कितने टाइम पहले एक्टिव था। इस फीचर का इस्तेमाल करके आप अपने फ्रेंड या आपका फ्रेंड आपके बारे में एक्टिव स्थिति के बारे में पता लगा सकता है। इंस्टाग्राम पे आपको ये एक्टिव स्टेटस बंद करने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन अगर आप इसको बंद कर देते हैं तो आप भी किसी का एक्टिव स्टेटस नहीं देख पाएंगे। लेकिन हाँ, ये मोबाइल और कंप्यूटर में अलग अलग ऑप्शन शो होते हैं, तो हम इन अलग अलग स्टेप्स के बारे में जानने वाले हैं कि हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इन्हें कैसे बंद कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि मोबाइल से इसे कैसे बंद करें। सबसे पहले अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम ऐप ओपन कर लें। इसके बाद नीचे राइट कॉर्नर पे आपको प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके अपने प्रोफाइल को ओपन कर लें। अब आपको ऊपर राइट साइड पे थ्री डॉट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके आप सेटिंग के ऑप्शन पर चले जाएं। अब आपको तीसरे नंबर पे प्राइवेसी का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके उस पर चले जाएं। इसके बाद इंटरेक्शन के ऑप्शन पे आपको एक्टिव स्टेटस का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर क्लिक करें। अब शो एक्टिविटी स्टेटस को डिसेबल कर दें। बस इतना ही करते ही आपका एक्टिव स्टेटस डिसेबल हो जाएगा, और आपका कोई भी फ्रेंड आपका लास्ट स्टेटस एक्टिव स्टेटस नहीं देख पाएगा, ना ही आप किसी का लास्ट एक्टिव स्टेटस देख पाएंगे, या फिर वो एक्टिव है या नहीं है ये देख पाएंगे। लेकिन अगर आप उसके साथ कोई पोस्ट शेयर करते हैं और आपका पोस्ट वो देखता है, तो आप ये देख पाएंगे कि उसने पोस्ट आपकी कब देखी हुई है। तो चलिए जानते हैं इंस्टाग्राम लास्ट सीन को कंप्यूटर में कैसे हाइड करें। तो फ्रेंड्स, हम में से कई लोग इंस्टाग्राम को मोबाइल में नहीं यूज़ करके कंप्यूटर या लैपटॉप में यूज़ करते हैं, तो अगर आपको जानना है कि हम उसमें लास्ट एक्टिव सीन कैसे हाइड करना है, तो चलिए इसको जानते हैं। तो सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम को किसी ब्राउजर में लॉगिन कर लें। अब आपको राइट साइड में एक प्रोफाइल का आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सेटिंग पर चले जाएं। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर जाएं, और उस पर वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एक्टिव स्टेटस, यानी कि शो एक्टिव स्टेटस को वहाँ पर आप डिसेबल कर दीजिए। तो बस इतना करते ही आपका लास्ट एक्टिव स्टेटस दिखाई देना बंद हो जाएगा, और ना ही आप किसी के एक्टिव स्टेटस देख पाओगे, ना ही कोई आपका फ्रेंड आपका लास्ट एक्टिव स्टेटस देख पाएगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप इंस्टाग्राम पे कैसे अपना लास्ट एक्टिव स्टेटस या एक्टिव नाउ का स्टेटस हटा सकते हैं या छुपा सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी सजेशन है किसी वीडियो के लेकर, तो कमेंट में जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड से शेयर भी करिएगा, और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।